गाइस फाइनली हम लोग घर से निकल गए, मम्मी को ले लिया है, सोनू की मम्मी मतलब मेरी सिस्टर, और ये हमारी क्यूट सी भाई सोनू को भी ले लिया है। और अब हम जा रहे हैं इनका शॉपिंग करने, देखते हैं क्या मिलता है। इनको एक्चुअली ट्विनिंग करना है, इसका फर्स्ट बर्थडे पार्टी है, क्योंकि लॉकडाउन था तो फिर उसके वजह से कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो अभी इसका फर्स्ट बर्थडे पार्टी होने वाला है 4th of March को, तो उनके लिए कपड़े वपड़े लेने हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। इसको दांता दिया दो ई आकर सोनू अरे आ भी करती आ दो दो दांतों आ गया काटती है सोनू दिखा काट के बताओ काट के दिखा आकर आ आकर बाबू मौसी को काट के बताओ देखो इसको मम्मी, इतना ज्यादा घूमने का शौक है ना पूछो मत मम्मी हाथ में काटो उसको देखो भारी देखेगी शी जस्ट वांट्स टू एंजॉय द व्यू बेचारी पूरा एक साल लॉकडाउन से घर के अंदर थी तो हम लोग इधर भुलेश्वर पहुंच गए और ये मम्मी डॉटर का डुओ तो ये मार्केट और यहाँ पे ना थोड़ा आई थिंक दोपहर में थोड़ा कम रश रहता है तो इसलिए हम देख लेते हैं अगर मिलता है तो वरना फटफट करके निकलेंगे यहाँ से तो यहाँ पे ना आपको सब कुछ मिलता है जेंट्स लेडीज़ बच्चों का ज्वेलरी होम घर का सब कुछ अगर ये पूरा एक लेन है फिर वहाँ से एक और लेन है आगे से जाके सो मैं अभी ना मेरे साथ बेबी भी और मम्मी भी है तो मैं इतना कुछ दिखाऊंगी नहीं क्योंकि बार बार फिर कैमरा हाथ में कैरी करना इज़ नॉट लिटिल सेफ ऑल्सो यस तो अभी यहाँ से मैडम का तो कपड़ा मिल गया सोनू का बट इसका अभी तक हम लोग ढूँढे और बज गए शाम के 5 भूख लग रही है चलो फिर कुछ खा लेते हैं पहले फिर देखते हैं एनर्जी मिलेगी थोड़ी तो गाइज अभी इतना सारा शॉपिंग किया फिर भी इन लोग दोनों का दो चीज़ बाकी है और दिमाग ख़राब हो गया इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए और रात के बज गए 8 और अभी हम लोग जा रहे थे गाइज यार मतलब बच्चा और उसको लेकर जाना पूरा मार्केट इज़ इम्पॉसिबल जस्ट लुक एट द स्कूल कैसे देख रही है मुझे और इसने इतना दिमाग खराब किया है ना सच्ची में मतलब ना कुछ लेने दे रही है कुछ ना इतना परेशान किया इसने आज बहुत जस्ट लुक एट हर बोलू नहीं मेरे बारे में इतना बाल खींचती है इतना मुझे इसने ये पूरा मार्केट पूरे शॉपिंग में इसने ये किया है इतना इरिटेट सोनू सोनू और फाइनली अभी हम लोगों का हो गया शॉपिंग तो मैडम का तो कुछ मिला नहीं इसका एक फ्रॉक मिला है बस और मैंने थोड़ा बहुत लिया अपने लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए लिया और अभी हम लोग कब से टैक्सी देख रहे थे पर टैक्सी वहाँ पर मिली नहीं तो अभी हम लोगों को एक बस मिली जो कि नियर बाय हम लोगों को छोड़ देगी तो वो बस पकड़ा है हम लोगों ने और अभी घर पर जाएंगे मतलब मेरे मॉम के इधर फिर मैं देखूँगी मेरे घर पर मैं कैसे जा रही हूँ सो तो मिलते हैं बाद में और आई डोंट नो वीडियो एड कर पाऊँगी नहीं फिर लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बहुत सारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा इंडिया का पैन ही जैसे कि क्रिकेट ही खेलने जा रहा है मैंने कम से कम इसने 4 कपड़े बदले होंगे और 2 पैंपर्स इमेजिन और इतना गंदा कपड़ा करती है बहुत और जब भी मैं इसके बारे में बोल रही हूँ ना तो ये ऐसे मुझे मार रही है गाइस तो मेरी बेटी ने आज मेरी बहन का बहुत बुरा हाल कर दिया है देखो उसकी पोनी भी एक साइड में आ गई है और अभी मैं ऐसे चल रही हूँ इसको देखो इसने पूरा नज़ारा लेना है इसको घर मतलब पूरा लॉकडाउन का बदला है ना ये ले रही है अभी कि कहीं बाहर लेके जाओ ना तो जीने नहीं देती है यार बहुत डिफिकल्ट है देखो मेरे को यहाँ पे भी इसने काट के लाल लाल कर दिया बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चे के साथ सच में मेरा सर दुखने लग गया आज और चल चल के पैर तो ये मेरा नेफ्यू है बहुत शर्मा रहा है बोलते नहीं आऊँगा व्लॉग में नहीं आऊँगा मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ ऐसे नहीं तो इसका SSC है अभी 10th standard का एग्ज़ाम्स मतलब आएगा अभी 10th में है उसके बाद फिर इसका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग में से कौन कौन है जो 10th दे रहे हो है क्या कोई प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि मुझे पता चले सो गाइस मैं मेरे मॉम के इधर ही रुक गई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और अभी मस्त पूरी सब्जी खाकर
जो मेरी मम्मी ने बनाया था, दीदी ने बनाया था मिलकर, तो वो सब मस्त खाकर अभी मैं हम लोग सो रहे हैं। और मेरा पैर है ना वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मेरा ये भांजा है ना वो मेरे पैर दबाएगा। दबाएगा कि नहीं? मैं नहीं दबा रहा। दबा जाओ अब सो, मेरे को नींद आ रही है। अच्छा तो ये इधर आना, यार ये लोग इतना शर्माते ना व्लॉग में आने के लिए। अच्छा ही दिख रहा है, मैं भी तो क्या हालत में हूँ, तेरे टी शर्ट पहनी हूँ सुबह से, मैं मतलब दूसरों का ही टी शर्ट पहन रही हूँ। ये मेरे नेफ्यू का टी शर्ट है, तो छोटे होने का ना फायदा होता है कि आप किसी के भी कपड़े पहन सकते हो, और बड़े होने का ये फायदा नहीं मिलता तो बस। मम्मी इतनी बेकार है, मैंने बोला मेरे पैर दुख रहे हैं तो मैंने मना किया मत करना मत करना, पर बोलते ना माँ तो माँ ही होती है, इसके खुद के पैर दुखते हैं। पर ये अभी मेरे लिए उठ के यहाँ पे पानी गर्म कर रही है नमक डाल के, ताकि मैं इसमें सेक करूँ। मम्मी क्या जरूरत है? हाँ दुख रहा है और क्या जरूरत है? तो बस ये ना चीज बस माँ ही कर सकती है, और लाइफ में ना मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, माँ जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता है ना मम्मा। अपने अपने बेटी का सबको दर्द रहता है ना, इसीलिए मेरी मम्मी मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, स्पेशली मेरा, क्योंकि मैं सबसे छोटी और लाडली हूँ ना मम्मी। गाइस ऐसा सबको होता है जब आप अपने मॉम डैड के साथ रहते हो ना, तो आप लोगों को इतना मतलब कनेक्टिविटी फील नहीं होता, पर जब आप दूर जाते हो ना तो हाँ। मेरे पास तो मम्मी मेरा फोन का चार्जर भी नहीं है। अरे पीछे है चार्जर, इसमें नहीं लगेगा ना? नहीं डैश का लगेगा। ओ तो मैं यहाँ पे रुक तो गई बट यहाँ पे मतलब मैंने मेरे पास ना मेरा चार्जर है, ना मेरा फेस वॉश है, ना मेरी दवाइयाँ है, कुछ भी नहीं है, बस मैं लेट हो गया तो मैं यहीं रुक गई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और अगर आपको मेरा व्लॉगिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कमेंट करना कि आपको आप चाहते हो कि मैं ऐसे और व्लॉग्स करूं, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करना, मुझे ये मोटिवेट करेगा। बाय बाय, गुड नाइट।